अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 4 साल की बेबी की कप्तान की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। कप्तान बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और पहनने पे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन लगता है। कप्तान बनाने के लिए मैं 1/2 मीटर साटन कॉटन वाला फैब्रिक ली थी। आइए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं 2 पीस कपड़ा ली हूँ, कपड़े को 2 पीस कर ली थी। ये जितना अरस था मेरा, मैं इसी को फोल्ड करके ये कप्तान के लिए कपड़ा रखी हूँ। देखिए इसकी लंबाई 21 इंच है और इसकी चौड़ाई 23 इंच है। ये कपड़ा जो है कि अब यहाँ से मैं इसे 4 फोल्ड कर ली हूँ। यहाँ से हम गले के चौड़ाई का निशान लगाएंगे 2.5 इंच। और बैक गले की फ्रंट गले की लंबाई के निशान 2 इंच लगाऊंगी और बैक गले की लंबाई के निशान 2.5 इंच लगाऊंगी। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए, बैक वाली पीस निकालने के बाद मैं फ्रंट गले की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट गले को हम वी शेप बना करके इसी कटिंग करेंगे। वी शेप की जो है कि लंबाई में 5 इंच रखी हूँ पूरी। देखिए यहाँ पर कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, गले फ्रंट वाली पीस मैं ली हूँ, इसके गले पे मैं ये पट्टी कट करके रखी थी, इसे हम लगा लेंगे। यहाँ से देखिए 20 कट का निशान लगा लेंगे और इसे पीछे की साइड हम पलट लेंगे और इसके ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ ये लैस मैं ली हूँ, इसे भी हम गले पे अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम लैस को नीचे ले जाएंगे, फिर इसे हम फोल्ड करते हुए गले पे लैस लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पे कपड़ा ली हूँ 7 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ाई से। हम यहाँ से ऊपर की साइड एक साइड सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। अब यहाँ गले पे मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी दोनों साइड और ये कपड़े को हम निशान जो हम लगाए थे वहीं से हम कपड़े को बराबर रख करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे फ्रंट वाला गला हमारा तैयार हो चुका है। अभी बैक वाली पीस ली हूँ, मैं गले को थोड़ा कम कट की थी वहाँ पे। अब यहाँ से 1 इंच निशान लगा करके हम 2 इंच गले की लंबाई रख लेंगे और इसे बीच से हम कट करेंगे बटन पट्टी के लिए। यहाँ पे देखिए, मैं बटन पट्टी बना करके तैयार कर ली हूँ और ये पट्टी ली हूँ, इसे हम गले पर लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों गले पर मैं पट्टी लगा ली हूँ। अभी फ्रंट वाली पीस लेंगे, इसको हम यहाँ पर पट्टी के नीचे रखते हुए पट्टी को ऊपर रखेंगे जो हम बैक गले पे लगाए थे और यहाँ से हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों साइड शोल्डर ज्वाइंट कर ली हूँ। नीचे से हम फोल्ड करते हुए चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे देखिए मैं चारों तरफ सिलाई लगा ली हूँ। अब इसके ऊपर हम ब्लाउज को अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लेस भी चारों तरफ लगा ली हूँ। अब यहाँ से जो हम गला कट किए थे वहाँ से हम ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे जो है कि 6 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ से कपड़ा फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ से चेस्ट का हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से निशान हम नीचे लगाएंगे। अब यहाँ से कमर का माप लेंगे। कमर का हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और नीचे से 5 इंच छोड़ करके निशान को हम कमर के निशान से मिला लेंगे। और ये जो ऊपर हम निशान लगाए थे वहाँ से हमें सिलाई नहीं करनी। देखिए मैं निशान को कट कर दी हूँ। अब कपड़े को फोल्ड करके हम हल्का सा हाथ से इसको प्रेस करेंगे, सेम निशान दूसरी तरफ भी आ जाएगा। उसको हम डार्क करके हम उसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई को ऊपर से पक्का करते हुए मैं ये नीचे निशान तक लगाऊँगी, फिर हम सिलाई को डबल कर लेंगे। और ऐसे जैसे हम उधर लगाए थे ऐसे दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा कप्तान रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 200 बटन ली थी और गले पे तुरपाई करके मैं हुक लगा दी थी। और इसी के साथ हमारा कप्तान रेडी हो चुका है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।